नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे बैठे जनता पर जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत के जादू के पिटारे से नई सौगातें हर दिन निकलकर राजस्थान की जनता के लिए सामने आ रही हैं। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश सीएम कर रहे हैं। सभी जानते ही हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, लेकिन जनता का कहना है कि भले चुनावी एजेंडा हो, चुनाव से पहले कुछ लाभ तो मिल ही रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूर वर्ग को एक बड़ी सौगात दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूनतम मजदूरी दर 26 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल श्रमिकों को सामाजिक संबल देने वाले इस फैसले के बाद अब अकुशल श्रमिकों को 259 रुपए की जगह 285 प्रतिदिन मिलेगा, यानी कि 7400 प्रतिमाह मिलेगी। वहीं इसी तरह अर्ध कुशल श्रमिकों को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, यानी कि 7722 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। तो वहीं कुशल श्रमिकों को 283 रुपए के स्थान पर 309 प्रतिदिन यानी कि 8034 प्रतिमाह मिलेगी। इसके अलावा उच्च कुशल श्रमिकों को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन यानी कि 9334 रुपए प्रतिमा मजदूरी मिलेगी। मजदूर और कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए 1 जनवरी 2023 से प्रभावित किए जाने का फैसला लिया गया है। श्रम विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में प्रतिदिन 26 की यानी कि 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रुपए प्रतिदिन की दर से 1 जुलाई 2021 से लागू हुई थी और अब 26 रुपए की बढ़ोतरी करके मजदूरों को बड़ी सौगात गहलोत सरकार ने दी है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।